इमाम दस्ता चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं कंचन अवस्थी। और आज हम आपको बताएंगे चेहरे के अनचाहे बालों को कैसे हटाया जाए। महिलाओं में सर के अलावा कहीं और बाल होना अनचाहे बाल ही कहलाएगा। फिर अगर वो चेहरे पर बाल हैं, तो फिर तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि देखा गया है कि महिलाएं आए दिन पार्लर जाती हैं, कोई वैक्स करवाता है तो कोई हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि महिलाएं ट्विजर से पकड़ के भी अपने बालों को खींचती हैं, और जिनके पास बहुत पैसे हैं वो लेजर ट्रीटमेंट तक भी करवाती हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे सस्ता, सुरक्षित और असरदार उपाय तो घरेलू नुस्खे ही हैं। हो सकता है दोस्तों ये घरेलू नुस्खे अपना असर दिखाने में थोड़ा समय जरूर लें, लेकिन ये 100% असरदार है, इसीलिए इन्हें जरूर अपनाएं। इनके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले उपाय के बारे में, जिसमें हम प्रयोग करेंगे नींबू, चीनी, गुड़ और शहद। चीनी या गुड़ की चाशनी बना लें, ना हो तो शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 नींबुओं का रस आधे कप शहद या आधे कप चाशनी में मिला लें और इसे चेहरे और शरीर पर लगाएं, और फिर इस पर एक सूखा कपड़ा चिपका लें। सूखने के बाद इस कपड़े को खींच लें, आप देखेंगे कि जड़ से सारे बाल समाप्त हो जाएंगे। ये है होममेड नेचुरल वैक्सिंग। तुअर या उड़द की दाल को रात भर भिगो दें और इसका पेस्ट बना लें। एक कच्चे आलू का पेस्ट बना लें। इन दोनों पेस्ट को मिलाकर इसमें थोड़ी हल्दी मिला लें। इस पेस्ट की एक मोटी परत अपने चेहरे और शरीर पर लगाएं। सूखने के बाद इसे उखाड़ लें। आप देखेंगे कि आपके शरीर और चेहरे के सारे बाल जड़ से तो निकल ही जाएंगे, साथ ही साथ आपकी त्वचा भी स्मूथ और ग्लोइंग हो जाएगी। तीसरे उपाय में आप कच्चे पपीते को लेकर उसका पेस्ट बना लें, उसमें एलोवेरा का जूस मिलाएं और साथ में थोड़ी हल्दी मिला लें। इस लेप को अपने चेहरे और शरीर पर लगाएं और सूखने दें। सूखने के बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। आप देखेंगे कि आपके अनचाहे बाल तो गायब हो ही जाएंगे, साथ ही साथ में आपकी त्वचा भी निखर जाएगी। चौथे उपाय में अंडे की सफेदी में थोड़ा सा गुलाब जल और हल्दी मिला लें, साथ ही साथ उसमें बारीक पिसी हुई चीनी और नींबू का रस मिलाएं। इन सबको मिलाकर एक पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को आपके शरीर में जहां जहां अनचाहे बाल हैं वहां पर लगाएं और सूखने दें। सूखने के बाद इसे रगड़ कर निकाल दें। आप देखेंगे कि अनचाहे बाल तो निकल ही गए हैं, साथ ही साथ आपकी त्वचा भी स्मूथ हो गई है। तो दोस्तों, हमारा पांचवा उपाय है काली मिर्च और कपूर का। काली मिर्च और कपूर को पीस कर मिश्रण बनाएं। इस मिश्रण में थोड़ा सा शहद और नींबू का रस मिलाएं। फिर इस मिश्रण को शरीर और चेहरे पर लगाएं। थोड़ी सी जलन होगी पर बालों का खात्मा भी हो जाएगा। सेंसिटिव स्किन वाले इसका उपयोग अपने शरीर के एक छोटे भाग पर करें, और अगर जलन होती है तो इसका प्रयोग ना करें। अब हम आपको आखिरी उपाय के बारे में बताते हैं। आधा कप बेसन लें, उसमें 2 चम्मच हल्दी मिला लें, थोड़ा सा दही या आवश्यकता अनुसार दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेप को अपने चेहरे और शरीर पर लगाएं और सूखने दें। सूखने के बाद इसे एक कपड़े से रगड़ कर निकाल दें और गुनगुने पानी से धो लें। इस उपाय से आपके शरीर के अनचाहे बाल जड़ से निकलना तो बंद नहीं होंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ जरूर रुक जाएगी और साथ ही साथ आपकी त्वचा भी निखर जाएगी। इसी के साथ ही चेहरे के अनचाहे बालों को कैसे निकालें पर बना यह स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। इमाम दस्ता चैनल का मकसद बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना है। थैंक यू। आज हम आपको बताएंगे कैसे घरेलू उपाय के द्वारा पेट में या आंत में हुए कीड़ों का इलाज किया जा सकता है। पेट में कीड़े होने की समस्या ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि बच्चे अपने पेट की सफाई का ध्यान नहीं रख पाते।